तक आप देख रहे थे हैदराबाद की सुंदर और खूबसूरत जगह, और अब आप देख रहे हैं हैदराबाद की हाईटेक सिटी के बीच में बसा स्लम एरिया। यहाँ रहने वालों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी गई है। इनका जीवन अब भी जर्जर स्थिति में है। पैसे के लिए ये राक्षस भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप जो देख रहे हैं वो किसी दूसरे देश या राज्य का नहीं है, अपनी हाईटेक सिटी के बीच स्थित स्लम एरिया में ही बसा हुआ है। यहाँ रहने वालों के पास पढ़ाई और काम धंधा जैसी कोई सुविधाएं ना होने की वजह से ही ये लोग ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। लेकिन ये सुविधाएं इन्हें कौन देगा, यही हमारा सबके लिए एक सवाल है। कोई कमी नहीं है इन्हें। रात को खूब दारू पीकर यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है कहकर जान खाते रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह विभूति लगाकर मंत्र पढ़कर पूजा जरूर होती है। मेरी किस्मत में एक टिकट पर दो फिल्में दिखाने वाला पति मिला है मुझे। क्यों फालतू में बड़बड़ा रही हो, शांति से पूजा करने दो। हाँ, इस नाटक में कोई कमी नहीं रखना, मेरा नसीब ही ऐसा है। छी, पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। कितनी देर करोगे, जल्दी खाओ। माँ मुझे थोड़ा खाना दो ना। मुझे भी थोड़ा दो ना। माँ सारा मुझे दोगी तो भैया क्या खाएंगे? कौन सा भैया, मैंने क्या उसे अपने पेट से जना था? चुपचाप से खाना खा। इंद्राणी। अरे बापरे, इंद्राणी तो जान लेकर ही रहेगा मेरी। इंद्राणी बोलो क्या है? तुम हवाई जहाज नहीं ऑटो चलाते हो, अब उसके लिए भी तुम्हारी आरती उतारूं क्या? उसके लिए नहीं, मेरी चप्पल नहीं दिख रही है, तुमने कहीं देखी है क्या? मेरे पास कितनी फटी हुई साड़ियां हैं ये पता है मुझे, तुम्हारी घिसी पिटी चप्पल के बारे में मैं क्या जानूं? मुझ में अकल नहीं थी जो मैंने तुमसे पूछा। तुम में अकल है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम बहुत होशियार हो ये जानती हूँ। कोई कुत्ता ले गया होगा या तुम्हारा बेटा, वो ही ले गया होगा तुम्हारी चप्पल। बेटा वो कहाँ गया है? वो आवारा कब घर से निकल जाए किसे पता, आवारा लड़कों के साथ यहीं कहीं घूम रहा होगा। सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, आओ 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 करने धमाल, रोके हमको ये किसमें मजा। जोश में है जीना, होश नहीं खोना, इसी को तो कहते हैं जीवन। पेंच नहीं लेना, फिक्र नहीं करना, वक्त पे जो खाना मिल जाए तो खुश अब हूँ। पॉलिटिक्स यार रो चाहे जहनम में, अपने को क्या मतलब है, जी भर के पी लो, जी भर के जी लो, लाइफ ये अजीब है। सलाम नमस्ते जिंदगी को, सलाम नमस्ते हर जवा को, सलाम नमस्ते जिंदगी को, सलाम नमस्ते हर जवा को, सुंदर सी लड़की को मेरा सलाम, जन्नत की परी को मेरा सलाम, निकले है इस दिल से मेरा पया, करना है तुझसे ही मुझको तो प्यार, दिन है जवानी के इसको न खोएंगे, जी भर के हमको तो करना है प्यार, आए कोई मुश्किल परवाना हमको है, झेलेंगे हम यारों मुश्किल हजार। नजर हो गया मैं बेखबर, अब नहीं कोई फिकर, अब नहीं है कोई डर, आजा मेरे पास तू, मेरे संग नाच तू, हमें करनी धमाल, लड़की तू बड़ी कमाल। जान सुन दिल की हो बात सुन मेरी, जब से देखा तुझको होश नहीं मुझको, आज जरा ना चले प्यार जरा कर ले, बात इतनी सी है के बिन तेरे ना जीना।
नमस्ते जिंदगी को, सलाम नमस्ते हर जवा को। सुंदर सी लड़की को मेरा सलाम, जन्नत की परी को मेरा सलाम, निकले है इस दिल से मेरा पया, करना है तुझसे ही मुझको तो प्यार। Metro to Bangalore, Mumbai, you ready? Cause nothing compares to my Hyderabad city. From Kodi to Kugatpally, cruising so steady. We sipping on Irani chai and Hyderabadi biryani. Charming all up so high, so let me take you for a ride. Hyderabad, you know the city, ye puru pad ko dura. Sayyente sayyentu duk tundira. Damme dambe ge dam sinde damra. Inka poor gurta simhane kora damura. Rara mama rara mama, akadi ekada pula jada. जानते हो तुम हम बड़े कमाल के, हमसे ना कोई यहाँ, हम हैं बेबी साल दे। हे हमसे टकराएगा, ठोकर ही खाएगा, हम तो दरबाज हैं, हम तो जंगबाज हैं। मिट्टी अपनी माँ है इसने दिया जीवन, यही पे है जीना और यही पे है मरना। हे चार दिन भी जी लो, शेर बन के जी लो, यार तुम कभी भी हौसला ना हारो। सलाम नमस्ते जिंदगी को, सलाम नमस्ते हर जवा को, सलाम नमस्ते जिंदगी को, सलाम नमस्ते हर जवा को। सुंदर सी लड़की को मेरा सलाम, जन्नत की परी को मेरा सलाम, निकले है इस दिल से मेरा पया, करना है तुझसे ही मुझको तो प्यार। सलाम नमस्ते जिंदगी को, सलाम नमस्ते हर जवा को, सलाम नमस्ते जिंदगी को, सलाम नमस्ते हर जवा को। पापा, आपने प्रसाद को दीवार पर रखा है कुत्ते के लिए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये प्रसाद हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए होता है, उनकी आत्मा शांति के लिए कौवे को खिलाया जाता है। काओ 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 काओ। हाथ जोड़ो बेटा, चलो। ये क्या है, कौवे के लिए रखा खाना खा रहा है? भूख में ये सब नहीं दिखता यार, घर में झगड़ा हुआ है, माँ बाबू ने घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं मर गया था क्या, मेरे पास आ सकता था? मैं तेरे पास आया था यार, तीन चार बार आया था, तू था ही नहीं। अच्छा अब चल चल। ए नंदा, यही है अपना बंगला, अपना राज है यहाँ पे, आज से तुम यही रहोगे हैं? अरे दोस्त, भूखा था तो खाना खिलाया, रहने के लिए बंगला भी दिला दिया, लेकिन काम नहीं बताया। ये रख, हा? रात में लगाकर आराम कर, कल सुबह आकर काम बताऊंगा। ओके भाई, चलता हूँ।
पैसों पर तो नहीं? बाप रे। ये पागल तो नहीं दिख रहे? क्या पागलपन है भगवान, भूत घूमते हैं या लोग रहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। ये राजेश भी ना यार, क्या अजीब सी जगह रहने को दी है। पागल। नंदा, है नंदा। क्या बे, अभी तक नहाया भी नहीं? शेर कभी नहाया नहीं करते दोस्त। चल बैठ जा। हाँ चल। कहाँ तेरा भाई? उधार देने वाला पूछ रहा है ना, बोल बे। पता नहीं। पता नहीं क्या बे, दोनों भाई मिलकर मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो क्या? पैसे कहाँ हैं? पैसों के लिए 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और 2 दिन? चिनू तू रुक, पैसा आएगा यार। ए राजेश तू पूछ। ए, 2 दिन नहीं, मुझे पैसा अभी चाहिए। मैंने लिया है उसी से मांगो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? पैसे उधार लेकर अब कानून सिखाता है तेरी तो। राजेश ऐसे मांगने से पैसा नहीं मिलेगा, अब देख कैसे पैसे आते हैं। चल पैसा दे, दे पैसा। देता हूँ देता हूँ। हेलो भैया, मुझे मार रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। भैया आप गाड़ी से आ जाइए, इनके पैसे दे दीजिए, मुझे इनसे बचा लीजिए भैया। भाई माफ कर दो भाई, गलती हो गई। ए, ये काम पिटने के पहले नहीं कर सकता था क्या? मजाज के बिना अकल ठिकाने नहीं आती तुम लोगों की। उधार लेते समय तो हरिश्चंद्र बनकर पैसा मांगते हो तुम लोग, वापस देते समय कानून सिखाते हो। ए, ले जा अपने भाई को अपने साथ। ए, चल बे। ए, ऐसे क्या देख रही है? देख तो ऐसे रही जैसे खा जाएगी। आखिर बात क्या है? देखते ही भाग जाती है, बात करने की जगह पे ऐसे घूर के देखती है। अरे हुआ क्या है तुझे? बोलना बात क्या है? हैं? बोल नहीं सकती है क्या? ओहो तू गूंगी होगी। ठीक है, बोल नहीं पाती तो इसमें दुखी मत हो। अच्छा ये बता, कुछ खाया वाया कि नहीं? देख मेरे पास यही है, खाएगी? अरे कोई बात नहीं, खा ले। अरे ले ना। वो क्या होती है मैं जानता हूं, खा ले। यार एक क्वार्टर पी लेते हैं। हाँ यार। क्या राजेश सुबह सुबह बोतल खोल रहे हैं? आज डील नहीं है क्या? नंदा अपन जो डील करते हैं ना उसके लिए दवा बिल्कुल करेक्ट है। ओए मामू वो देखना। भाई बार में बोतल तोड़कर हमसे झगड़ा करने वाला यही था ना? अरे हाँ मामू, क्या कहा बार में? अबे बोतल तोड़ दी ना उसने। हम लोग चुप रहो, चलो आज उसे सबक सिखाते हैं। ओए हरामी इधर आ। छोड़ना यार, बाहर में झगड़ा किया था, यहाँ भी झगड़ा करेगा क्या है? अपन के एरिया में लोगों को हमसे डरना चाहिए, समझा? तो क्या तेरे बुलाने से वो आ जाएगा क्या? क्या है हरामी, क्या रे दारा? क्या नंदा, वो तुझे हरामी कहकर बुला रहे और तू ऐसे चुप बैठा है? ऐसी गंदी गाली देकर बुला रहा है तो क्या तुझे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? अब देखना तो उस साले को मैं बता दूं। क्या बे कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा था? तू मुझसे डरता नहीं क्या? ओए मामू ये मुझसे नहीं डरता, अब डरेगा देख। ओए तूने मारा क्यों है?
मुझे छोड़ दो भाई भाई। इसे मार डालोगे क्या? नहीं, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, कम करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों नाराज मत हो, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा। अच्छा नाम है। कलम पकड़ने वाले हाथों में उस्तुरा पकड़ा है गुंडा बनने के लिए। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता वो ऐसे काम करते हैं। क्यों, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? गुस्सा और सोच में जो अंतर समझता है वही जिंदगी को जीतता है। उस तरह नीचे फेंक दो, मैं कह रहा हूं ना। क्या दवा की पर्ची? किसकी है? तेरी है? डॉक्टर ने दवा लाने के लिए बोला है क्या? देख आजकल चोर बहुत ज्यादा हो गए हैं। सीधा इंसान दिखा नहीं कि नकली दवा दे देते हैं और उसे खाकर लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, संभाल कर रख लो, ये लो। तो और क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ चलूं? ठीक है चलो। अरे सुनो भाई। जी बोलिए। ये दवाई दे दीजिए। यहाँ तो सिर्फ 3 लिखी हैं। सिर्फ 3 है? मुझे तो 8-10 लगी थी। ठीक है दे दो। ये लो, ये भी रख लो। और सुनो, अब दवा मिल गई है तो सब एक साथ मत खाना, एक एक करके खाना, फिर तुम धड़ाधड़ बोलने लगोगी। समझ गई ना? नहीं समझी कि समझ गई? ठीक है जाओ। हाँ कैसे हो? नमस्ते भाई। आए कितनी देर हो गई? अभी आया भाई। कैसे हो? ठीक हूँ भाई। बैठो। कोई बात नहीं भाई। अरे तुम लोगों के लिए ही ये कुर्सी रखी है, बैठ जाओ। तुम्हारा रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा चल रहा है? तुमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने सुना? ऐसी कोई बात नहीं है भाई,
अभी तक ढीला ही चल रहा है। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां तो धोखा देकर भाग गई हैं भाई। कभी बादशाह थे लेकिन आजकल काम के फकीर बन गए हैं। ये सब देखने के बाद अब लगता है कि पहले की तरह गांव में खेती ही कर लूं। चाहे काम कैसा भी हो आदमी को खुश रहना ही चाहिए बस। बात क्या है ये बताओ। भाई आपसे थोड़ा पर्सनल बात करनी है। अरे मुझसे पर्सनल कैसा, काम यही पूरा करते हैं, कोई बात नहीं बोलो। स्टेशन के पास एक सेठ का बंगला हाथ लगा है। सारा काम होने के बाद जब बात रजिस्ट्रेशन पर आई तो उस करण ने सारा काम खराब कर दिया भाई। ये करण है ही ऐसा, आराम से होने वाली चीज झगड़े तक ले जाता है। जो काम जानता है उसे छोड़कर दूसरों के कामों में हाथ डालता है, उसका सीधा हाथ काट देते हैं। खाना धोना दोनों जब एक हाथ से ही करेगा तब वो ऐसा नहीं करेगा। ये करना इतना आसान नहीं है भाई। क्यों? वो कभी अकेला नहीं रहता, बॉडीगार्ड्स के साथ रहता है। अब तो ऊंचाई पर है वो। भले ही 100 बॉडीगार्ड क्यों ना हो लेकिन ऐसे कमीने लोगों की कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होती है। हाँ है ना भाई। हाँ। दारू और लड़कियों के लिए अकेला ही जाता है। वो ही ना, लड़कियों के पीछे पागल कहीं भी पकड़ा जा सकता है, बस इतना काफी है मेरे लिए। ये लीजिए। हाँ। ये लो। हाँ। भाई उस करण का फोटो। इस चमड़ी चोर का फोटो किस लिए? मैं इस कमीने को जानता हूँ। हाँ बोलो। देवराज भाई आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गया। इस काम को मर्द भी करने से डरते थे लेकिन तुमने कर दिखाया। तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखा है गोडाउन में, आकर ले लो। ठीक है, ठीक है। ओए क्या रे, क्यों भागने की कोशिश कर रहा है क्या? देखने में तो ठीक लग रहा है, दिखता नहीं क्या तुझे? मैं तुझे दिखाई नहीं दी या सीधा वहाँ से ठोकने ही आया था मुझे? क्यों रे क्या चाहता है तू? क्या बहन जी मुझे क्यों डांट रही हो, सड़क पर आपको भी देखकर चलना चाहिए ना। मेरे पीछे क्या आंखें लगी है जो पीछे का भी दिखाई देगा? रुक रुक रुक। एक तो टक्कर मारी, ऊपर से जबान चलाता है, ऐसे ही छोड़ दूंगी सोचा है क्या? अच्छा मुझसे गलती हो गई बहन जी। ये क्या भागने की कोशिश कर रहा है? बर्तन टूट गया, कपड़े फट गए और ये देख हाथ में घाव। इन सब के लिए पैसे कौन देगा? अरे बाप रे ये तो गूंगी नहीं है, नाटक कर रही थी। चुपचाप पैसे देकर जा। अच्छा। वरना चिल्ला चिल्ला कर सारे लोगों को बुला लूंगी मैं, वो मार मार कर तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे। तो क्या सोचा है तुमने, चुपचाप से पैसे दोगे या सबको बुलाऊं मैं यहाँ? गूंगी बनने का नाटक किया तूने? ए नटंगी कहाँ जा रही है? रुक। ए, ए रुकना, अरे कहाँ भाग रही है? ए, अरे रुक जा, अरे कहाँ भाग रही है? अरे रुक, मैं बोल रहा था रुक जा। ए नटंगी मेरे साथ नाटक करती है? बाप रे गूंगी लड़की की क्या एक्टिंग की है तूने, हैं? तू तो टेप रिकॉर्डर की तरह बकबक करती है, एक दूंगा तो थोपड़ा घूम जाएगा तेरा। ए चुप कर, अब क्यों रो रही है, नया नाटक कर रही है क्या? मैंने कोई नाटक नहीं किया, अब तो तुम मेरे सच पर भी यकीन नहीं करोगे, अब मैं क्या बोलूं? कुछ भी लेकिन सच बोल। मैं और मेरी माँ इस शहर में नए आए हैं, मेरी माँ को अब तक 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, दवाइयाँ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत परेशानी में है, जिससे भी मदद मांगते बुरी नजर से देखता था, पैसे उधार मांगो तो रात में अकेले बुलाता था, इसीलिए जो भी घर में था उसे बेचकर माँ का इलाज करवाया। इस शहर में नए है ना, किसी से बात करने में भी डर सा लगता है। उस दिन तुम्हें पहली बार देखा मैंने, पता नहीं क्यों तुम दिखने में बहुत ही शरीफ दिखाई दिए, इसलिए तुमसे मदद मांगने आई थी। तुमने उस दिन खाना खाते समय तुम गूंगी हो पूछा तो मैंने जल्दबाजी में तुम्हें झूठ मूठ में हाँ कर दी थी।
मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तब तक मेरी वजह से तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। बोल नहीं सकती है क्या? बोल नहीं सकती। ओहो, गूंगी होगी, तू गूंगी होगी। अब दवा मिल गई है तो सब एक साथ मत खाना, तो सब एक साथ मत खाना। तुम दिखने में बहुत ही शरीफ दिखाई दिए, शरीफ दिखाई दिए। ए नौटंकी, कल के बाद तो तू दिखाई नहीं भी, क्या हुआ? वैसे नाम क्या है तेरा? मेरा नाम नंदिता है, और तुम्हारा नाम क्या है? अबे ढक्कन, एक जरूरी काम है कहकर आया था, यही तेरा जरूरी काम है क्या? हाँ, क्या बात है भाई? ओ 143, ओके ओके, एंजॉय एंजॉय, हाँ एंजॉय। तुम्हारा नाम ढक्कन है? अरे नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है ना, हर बार नए नाम से बुलाता है। मेरा नाम तो नंदा है। नाम तो बहुत अच्छा है। वैसे तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? MBA तक। पढ़ने की सोची थी लेकिन पढ़ नहीं पाया, गाड़ी 5वीं तक ही रुक गई। तभी तो कहूँ। और तुम? तुमसे एक ज्यादा, 6ठी तक पढ़ाई की है। तब तो ठीक है, तुम्हें देखकर तो लगता है तुम बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी। अच्छा ये बात है, मैं एक पिकल कंपनी में काम कर रही हूँ, कल से ही काम शुरू किया है। सैलरी आते ही तुमसे जितने पैसे लिए हैं सब लौटा दूंगी, ठीक है ना? मैंने पैसे मांगे क्या? ऐसा क्यों? उस दिन दवा खरीदने के लिए तुमने पैसे दिए थे ना? मुझे इस तरह फ्री में पैसे क्यों दोगे? मैं तुम्हारी रिश्तेदार या जान पहचान वाली हूँ। तो मान लो कि रिश्ते में हो, किसने मना किया? क्या कहा? मैं तुम्हारी रिश्ते वाली हूँ? अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है तुमने? क्या मुझ में खराबी क्या है? आजकल की लड़कियाँ मुझ जैसों पर ही मरती हैं। ये कुछ ज्यादा ही ओवर है, पहले जाकर नहा कर आओ, तुम्हारी पसीने की बदबू से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तुम्हारी पसीने की बदबू से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। नहाने के बाद तो वाकई अच्छा लगता है। ये हमारा मैनेजर भी ना, चाहे वर्कर कितना भी काम कर ले लेकिन झगड़ा करते ही रहता है। बहुत मजा आता होगा ना? पता नहीं आज कौन फंसने वाली है। हाँ, मैं तो रोज उसकी डांट सुनती रहती हूँ। पहले तो ठीक ही आ रहा था, हम लोगों को देखते ही ऐसे स्टाइल मारने लग गया। बेचारा, जाकर उठा ना। अरे थोड़ा हाथ धो ना। सुन ले मेरी जान, जरा बात सुन ले मेरी जान। तू है मेरी सोना, आए ना तेरे बिना चैना, हाय हाय हसीना मैं हूं तेरा दीवाना, तू है मेरी खजाना मैं हूं तेरा दीवाना, देखूं हर पल मैं तो तेरा सपना, दूर न जा तू मैं हूं तेरा अपना। सुन ले मेरी जान, ओ सुन ले मेरी जान, सुन ले मेरी जान, सारा बात सुन ले मेरी जान। मगन जीता था मैं, दारू बारू पीता था मैं, सुखी था तुझे देखने से पहले, आई जो तू जिंदगी में नशा, उतर उतर गया खो गया मैं सोचने से पहले, रानी धीरे धीरे से तू दिल में उतर।
चलो लिखते हैं नई कहानी। सुन ले मेरी जान, सुन ले मेरी जान, जरा बात सुन ले मेरी जान। सच में कहता हूँ जानम, तू है जरा हट के, झूलू भी तो लागे मुझे बड़े झटके। हाय हाय हसीना, मैं हूँ तेरा दीवाना, तू है मेरी खजाना, मैं हूँ तेरा दीवाना। देखू हर पल मैं तो तेरा सपना, दूर न जा तू, मैं हूँ तेरा अपना। तू है मेरी सोना सोना सोना, आना तेरे बिना चैना। सोना सोना तेरा रूप सोना, सोना सोना तू है मेरी मेरी प्यारी मैना। ढूंढा तुझे हर जगह, पुकारा तुझे प्यास बंद, तू तो चली आई। अब तू जो मुझको मिली, मेरी दुनिया बदल गई। झूमेंगे इसी बहाने, चलो घूमेंगे इसी बहाने। सुन ले मेरी जान, सुन ले मेरी जान, जरा बात सुन ले मेरी जान। उड़ाती है होश मेरी नजर तेरी तिरछी, अदा तेरी कातिल तू तीखी तीखी मिर्ची। हाय हाय हसीना, मैं हूँ तेरा दीवाना, तू है मेरी खजाना, मैं हूँ तेरा दीवाना। देखू हर पल मैं तो तेरा सपना, दूर न जा तू, मैं हूँ तेरा अपना। सोना सोना आईना तेरे बिना चैना, है होश मेरी नजर तेरी तिरछी, अदा तेरी कातिल तू तीखी तीखी मिर्ची। सुन ले मेरी जान, सुन ले मेरी जान, जरा बात सुन ले मेरी जान। सुन ले मेरी जान, सुन ले मेरी जान, जरा बात सुन ले मेरी जान। रे कितनी देर देखेगा, पता डाल। हाँ डाल रहा हूँ ना। हाँ डाल रहा हूँ ना यार। ओए नंदा को तो देख। क्या बात है नंदा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है, मामला क्या है? क्या भाई किसी को लूटने जा रहा है क्या? ओए ये सब बेकार बैठे लोगों का काम है यार। राजेश मुझे थोड़े खर्चे के लिए पैसे चाहिए यार। क्या यार कुछ गड़बड़ लग रही है, खर्चे के लिए पैसे मांग रहा है, क्या बात है? कितने चाहिए? 2000 दे दो ना यार। 2000? मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी। ये ले इतने रख ले, इतना ही है अभी। इश्क का मामला है ना, एंजॉय कर, जा जा। नंदा लड़की अगर सच धज कर जाए तो उसका कोई कारण नहीं होता, लेकिन लड़का सच धज कर जाता है ना तो उसका कारण एक ही है, प्यार। क्यों नंदा सही है ना? ए मुंह बंद करना है। अरे ठीक है ना, जा यार। थैंक यू यार। घूर घूर के मुझे क्यों देख रहा है, अंदर जाने देगा क्या? ठीक है देखते हैं। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? यहाँ सब लड़कियाँ काम करती हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। अचार खरीदने। अचार? कितना? एक पैकेट। एक पैकेट? एक पैकेट खरीदने के लिए? ये क्या कोई दुकान समझ रखा है? ये होलसेल कंपनी है, तुम अंदर नहीं जा सकते। जाओ जाओ जाओ। सोचा था ये नए कपड़े नंदिता को दिखाऊंगा, लेकिन ये कमीना तो अंदर जाने नहीं दे रहा। अभी तो मैंने 2 लॉट भेजा था ना, अभी तुरंत कैसे भेजूं? आजकल वर्कर बहुत कम हो गए हैं। मैं बाद में फोन करता हूँ, फोन रखो। यहाँ साइन कर दो। ठीक है सर।
क्या बात है, सैलरी तो ले ली तूने, अब इससे क्या करने का सोचा है? बताती हूँ। ए, तुझसे मिलने आया है। अरे यार। ए, तुम भी मेरे साथ चलो ना। मैं नहीं आऊंगी, तू खुद जाकर बात कर ले। बाय, कल मिलते हैं। चित्रा, आ चलते हैं। मैं नहीं आ रहा। यहाँ खड़े होना अच्छा नहीं, सब पहचान के लोग हैं। आओ ना। तुम इधर आओ। ओहो, क्या बात है, बिजली का खंबा छोड़कर नहीं आओगे क्या? खंबे के साथ चाय में खड़े रहने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, कि बताओ इतनी दूर क्यों आए हो तुम? ओह, अपने पैसे लेने के लिए आए हो। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे मांगे क्या? तुम ऐसी बात करोगी तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर क्यों आए थे? मैंने ये नई शर्ट और पैंट खरीदी थी, तुम्हें दिखाने आया था। देख तो रही हूँ, अब क्या है? मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं? बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ से खरीदी थी? रामनगर की सबसे बड़ी दुकान से। 500 रुपए दिए तो 1 रुपए लौटाया उसने। इतना महंगा? हाँ, ब्रांडेड कपड़े हैं, समझती क्या हो मुझे। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? लोगों को मारने का काम। क्या कहा? अरे वही मिट्टी निकालने का काम, क्रेन ऑपरेटर। तुम दिखते भी वैसे ही हो। अच्छा, तुम्हें छुट्टियाँ मिलती हैं क्या? मुझे छुट्टियाँ कौन देगा, मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ। लेकिन क्यों? वो कुछ नहीं, कल हमारे फैक्ट्री की छुट्टी है, मंदिर जाने का सोच रही हूँ इसलिए। हाँ तो जाओ, मुझसे क्यों कह रही हो? कल यहाँ आकर मेरे लिए ऐसे खंबे से चिपक कर इंतजार मत करना, कह देती हूँ। हेलो, मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, अपना भी कैरेक्टर है, समझी? ठीक है, जाकर मिट्टी ढोने का काम करो, पहले अपने दिमाग में पड़ी धूल को साफ करो। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड, चिपक गया और फट गया, इससे अच्छा तो फुटपाथ से लेता, थोड़े सस्ते भी आ जाते। ये ही तुमने 500 रुपए के ब्रांडेड कपड़े खरीदे थे? बहुत अच्छे हैं, कॉस्टली ड्रेस है। हेलो, यहाँ कैसे आए? मेरा इंतजार कर रहे हो? इतनी जल्दी समझने के लिए थैंक्स। मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, ऐसा कहा था ना? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, बहुत पहले ही आ गया था। तुम मुझे बातों से हराना चाहते हो? अभी तुमने देखा है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत सीधा समझती थी मैं। वैसे मैंने भी तुम्हें गूंगी समझा था, तुम भी तो सीधी नहीं हो। ये सब छोड़ो और मेरे साथ मंदिर चलो। मैं नहीं आऊंगा, तुम हो कराओ। यहाँ तक आकर अब अंदर आने से इनकार क्यों? उनका मेरा जमता नहीं रे, अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम मेरे साथ उनसे मिलने आई हो तो मेरी वाट लगा देंगे। तुम होकर आओ। तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है? भरोसा? बचपन में ही मेरी माँ को छीन लिया, एक दारूबाज इंसान को, एक नशेड़ी को मेरा बाप बना दिया। अपनी पढ़ने लिखने वाली उम्र में मैं सड़क पे आ गया, ऐसे भगवान पर भरोसा करूं मैं? बोलो, छोड़ो ना, मेरे नहीं आने से अपना दिल छोटा मत करो, जाके दर्शन कर लो। भगवान कुछ अच्छा करने के लिए ही पहले परेशानियां देता है, भगवान तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे। कर दे, उसके बाद चलूंगा। तो मंदिर ना आने वाले तुम मंदिर के पास क्यों आए? वो तुम्हें ये देने के लिए आया था। तुम मुझे चूड़ियां क्यों दे रहे हो? गूंगी बनकर दवा के लिए पैसे ना मांगे होते तो मैंने ये नहीं दिया होता। अब देखो, तुम्हें पसंद है तो पहन लो, नहीं हो तो वो है ना, वो बूढ़ी औरत, उसको दे देना, वो पहन लेगी। हाँ,
आइए आइए जयराम जी। भाई इतनी सुबह यहाँ कैसे? इलेक्शन होने वाले हैं, आप भी खड़े होने वाले हैं मैंने सुना है। वोट मांगने आए हो या डोनेशन मांगने? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, थोड़ी सी सहायता चाहिए। अरे तुम अपने ही आदमी हो, क्या चाहिए बताओ, मैं करता हूँ ना। वो क्या है भाई, वो नरसिम्हा है ना, मेरे ऑपोजिशन में खड़ा हो रहा है। अगर आप कहेंगे तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा। आप चाहो तो मेरे भैया जीत सकते हैं, उसके ग्रुप का कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए भाई। क्या जयराम, तुम बिना, तुम उस नरसिम्हा से डर रहे हो क्या? वो क्या बहुत बड़ा गुंडा है? ठीक है, मैं उसे बुलाकर बात करता हूँ, तुम जाकर अपने इलेक्शन की तैयारी करो। उसे डील करना थोड़ा मुश्किल है भाई। तो फिर क्या करें? उस नरसिम्हा को मार डालें क्या? पता नहीं भाई, लेकिन कैसे भी करके भाई को जिताना है। भाई अगर आप चाहो तो इलेक्शन में हमारा सब ठीक होगा भाई। जयराम जी आप जाइए ना, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, मैं हूँ ना। जानता हूँ भाई। चलता हूँ भाई। अरे अरे भागो यहाँ से। ये क्यों आई थी यहाँ, भाग लोगी तुम? कोई पक्ष आने का यहाँ? किसने बोला था आने को? मैं यहाँ से अब चली जाऊंगी, तुम संभल कर जाना, ठीक है? मैं यहाँ खुद नहीं आई, सड़क से जा रही थी, फैक्ट्री में ओटी करने के लिए कहा था, इसलिए लेट हो गई। मैंने ना किया लेकिन मैनेजर नहीं माना। ए, कौन हो तुम? ए, काम तेरा बाबू बताता हूँ, मालूम नहीं है यहाँ घुसना? सब डिटेल में बताऊंगा तुझे, सब डिटेल में। हाँ बताता हूँ बताता हूँ, रुक जा। तुम अंदर नहीं आ सकते। ए, कौन हो तुम? यहाँ गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? मैनेजर कौन है यहाँ का? मैं हूँ, क्या बात है बोलो। ये मजा, लड़कियों से आधी आधी रात तक काम करवाता है तू? इंसान है ना तू, तेरी माँ बहन नहीं है क्या? ए, पहले हाथ हटा, इन लोगों को पैसे मैं देता हूँ, ओटी कराऊं या कुछ भी कराऊं मेरी मर्जी, ये पूछने वाला तू कौन होता है? मैं कौन हूँ? मैं तुझे अभी बताता हूँ, बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं? रुको, सब दिखाता हूँ, चल देख। मैं कहता हूँ रुको, ये देख। सुनाई नहीं देता क्या? यह सामान क्यों तोड़ रहे हो? मुझसे पूछता कि मैं कौन हूँ? आप समझ गया कि मैं कौन हूँ? ओटी करवाएगा, पैसे देगा तो कुछ भी करवाएगा, अपनी मनमानी करेगा तू? ए, आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर दोबारा हुआ ना। अबे अबे देख क्या रहा है बे, हाँ घूर क्या रहा है बे, हट हट, काट डालूंगा सारे। मैं ओटी करूं या कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हीरो की तरह घुसकर झगड़ा किया, तुम्हारे लिए किया। पागलों की तरह बात मत करो, तुम्हारे इस काम की वजह से जितना नुकसान हुआ है वो मेरी तनख्वाह से काट लेगा। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, अब मुझे मत मिलना। ऐसे मत बोलो नंदिता, तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की तो तुमसे थोड़ा हंस बोल ली, उसका तुमने गलत मतलब निकाल लिया। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं अपने काम पर ही ध्यान दे रहा था, तुम ही मुझसे आकर मिली थी, मेरे दिमाग में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन मेरे दिल में प्यार जगाया तुमने। तुमसे मिलने के बाद ही मैंने ये जाना कि प्यार क्या होता है। तुमसे मिलने के बाद मुझे मेरे बाप की भी याद नहीं आई। नंदिता ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया। अपने दिल की सारी बात बताना चाहता था लेकिन जाने क्यों कह नहीं पाता, इसे क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन तुम यहां हो नंदिता, यहां। माना कि मैंने गलती की है लेकिन तुम दूसरों की तरह मत बोलो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? मुझे देखकर बोलो, यहां से कूद कर जान दे दूंगा, मर जाऊं बोलो। नंदिता रुको, रुको नंदिता, ठीक है जाओ जाओ और मुड़कर मत देखना। नंदा, नंदा ये क्या कर रहे हो तुम?
हे हाँ छोड़ो, अब यहाँ क्यों आई हो? तुम लगती क्या मेरी? जाओ जाके अपना काम करो। ऐसा मत बोलो नंदा, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है, मैं नहीं जानती थी नंदा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नंदा, बहुत प्यार। ए नंदा, 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 ए क्या हुआ? ए उस तरह नीचे फेंक, इसे नीचे फेंक, नीचे फेंक। तूने अपने दोस्तों को क्यों मारा? मैं जिसे प्यार करता हूँ, इन्होंने उसके साथ क्या किया पता है तुम्हें? ओए, क्या ये सब बिना असली बात बताए बोलते हो? नंदन ने मारा है? दारू पीने के बाद बुद्धि काम नहीं करती क्या? ए, ये उसे प्यार करता है, समझ गया ना? तो ये बात तब भी बता सकता था ना, बिना बताए मारेगा क्या? तुम लोगों ने जो किया उसके लिए तो मार डाला चाहिए। नंदा, नंदा, जो हो गया उसे छोड़। ओए, सॉरी बोल। सॉरी बोल। सॉरी नंदा, गलती हो गई, माफ कर दो। नंदा, गलती हो गई, माफी मांग रहे हैं ना? छोड़ना, उस तरह अंदर रख लेना, अंदर रखना उस तरह। अरे आपस में क्या लड़ना है यार, हम लोग दोस्त है ना। ए हाथ मिला, हाथ मिला, मिला, चल हाथ मिला। सॉरी नंदा, सॉरी यार, हो गया ना। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है भाई, लड़के आ गए भाई। मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्यों बेटा, कहीं देखा जैसा लग रहा हूं ना? उस दिन जो तुमने देखा था वो कुछ और था, आज कुछ और है। ठीक है, अब सीधे मैटर पर आते हैं। तुम्हें मेरे लिए एक मर्डर करना होगा। तुम अकेले करोगे या सबके साथ मिलकर करोगे, ये तुम बताओ। बजट कितना है ये मैं बता रहा हूं। अरे बाप रे, मर्डर ये हमसे नहीं होगा भाई। नहीं मतलब करने से डर लगता है क्या? हाँ, डरते हो क्यों नंदा? तुम्हारे साथ घूमने वाले लड़कों में दम नहीं है क्या? कुछ नहीं है छोटे, बस एक बार चाकू से एक बार खून खुद ब खुद बहने लगेगा। देखते देखते धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर तुम्हें दोबारा खून देखने का इंतजार रहेगा। क्यों रे? हाँ भाई। जो काम करोगे उसका पूरा पैसा दूंगा, मेरा काम होना चाहिए बस, मामला लीक नहीं होना चाहिए। मारना किसे? क्या ए नंदा, पागल हो गया क्या? एक बार पुलिस केस में फंस गए तो बाहर नहीं निकल सकते। बाद में बात करेंगे, अभी चले यहाँ से। ए राजेश, तू डर मत, ये काम मैं करूँगा। मेरी बात तो सुन। ये एक काम करेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर तू चुप कर रहे। सर मैं तैयार हूँ सर, एडवांस। ये हुई ना बात। इलेक्शन होने दे, फिर मैं करूंगा ना। हाँ जरूर करूंगा। अब चल फोन रख, रखना। हाँ तुम लोग कौन हो? नमस्ते भाई, नरसिम्हा भाई से मिलने आए हैं। वेट करो, आएंगे। नमस्कार भाई। भाई भाई, ये लड़के बस्ती से आए भाई। नमस्ते भाई। अच्छा अच्छा, हाँ आ जाओ आ जाओ। अबे आओ, आ जाओ। तो छोटे कौन हो तुम लोग, किस काम से आए हो? भाई हम लोग पास की बस्ती में ही रहते हैं, वो इलेक्शन के काम से मिलने आए थे। भाई हम लोग इलेक्शन की सारी तैयारी कर देंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप कुछ काम दे दीजिए। छोटे इलेक्शन का टाइम है, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, मैं कैसे भरोसा करूं? भाई हम पर भरोसा करो। भाई इसका नाम रघु है भाई, ये शूटिंग के लिए जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करता है, और ये है ना ऑटो राम, ये शूटिंग का बाकी काम करवाता है। ओए इधर आ।
ये सुरेश है भाई, भाई। अच्छा। ये बहुत बड़े फैन क्लब का लीडर है भाई, और ये है ना इसका नाम राजेश है, और ये हमारा ही नहीं पूरे एरिया का लीडर है भाई। बस हमें एक चांस दे दो, इस इलेक्शन से हम भी हिट हो जाएंगे भाई, प्लीज भाई। अच्छा तो ये बात है। हाँ भाई, पिछली बार के इलेक्शन में स्वामी जी के लिए काम किया था मैंने, क्या धूम मचा दी थी हमने भाई। इस बार आपके लिए काम करेंगे, जान लगा देंगे भाई। मतलब मेरी तरह जनता की सेवा करना चाहते हो, ठीक है। इलेक्शन अनाउंसिंग करना, पोस्टर चिपकाना, ये सब काम तुम लोग देख लो, ठीक है ना? ठीक है भाई। अरे सुन, ये सब अपने ही लड़के हैं, इन्हें क्या चाहिए देख लेना। ठीक है भाई। थैंक यू भाई। ए सुनो, आज से भाई के लिए हम अपनी जी जान एक कर देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है भाई। भाई मैं चलता हूँ भाई। नरसिम्हा भाई जिंदाबाद, नरसिम्हा भाई जिंदाबाद, नरसिम्हा भाई। हम जैसे राजनेताओं को फिल्म वालों से और गुंडे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, ना जाने कब कौन किस मोड़ पर काम आ जाए। ए, वो देख तो, तेरा नंदा। क्या बात है, तेरा हीरो तो अल्ट्रा हीरो बनता जा रहा है। तुम ही जाकर पूछ लो ना। ना बाबा ना, तुम लोगों के बीच मैं क्यों पढ़ूं, तू ही जाकर पूछ ले। नंदा, नंदा। Hey, ऐसे क्या देख रही हो? ये सब क्या है, जादूगर की तरह एक दिन में ही इतना बदल गए हो? अब से यही मेरा गेटअप है। आओ बैठ जाओ, एक बार शहर का राउंड मार के आते हैं। ए, नई गाड़ी है, अगर इतने प्यार से कह रहा है तो जाना। नहीं, जस्ट एक ही राउंड। राइट सिस्टर, बैठो। बाय। बैठो ना। हेलो। ऐसे नहीं, इधर उधर पैर करके बैठो, तब मजा आएगा। सुन ले मेरी जान, सुन ले मेरी जान, जरा बात सुन ले मेरी जान। मेरी सोना आए ना तेरे बिना चैना, हाय हाय हसीना मैं हूँ तेरा दीवाना, तू है मेरी खजाना मैं हूँ तेरा दीवाना, देखूं हर पल मैं तो तेरा सपना, दूर ना जा तू मैं हूँ तेरा अपना। सुन ले मेरी जान, ओ सुन ले मेरी जान, सुन ले मेरी जान, सारा बात सुन ले मेरी जान। नरसिम्हा भाई जिंदाबाद, नरसिम्हा भाई जिंदाबाद, नरसिम्हा भाई जिंदाबाद, अपना वोट जयराम जी को दो, अपना वोट जयराम जी को दो। अपना नेता कैसा हो नरसिम्हा भाई जैसा हो, अपना नेता कैसा हो नरसिम्हा भाई जैसा हो, अपना वोट जयराम जी को दो, नरसिम्हा भाई जिंदाबाद, अपना वोट जयराम जी को दो। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे पैर की खूबसूरती में कुछ तो कमी है। क्या? पहले आंखें बंद करो, फिर बताता हूँ क्या है। अब खोलो। अरे वाह पायल, ये तुम्हारे लिए है। कैसे लग रही है? अब जरा इसे पहन के दिखाओ। लाओ पहनाता हूँ। मेरी माँ पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी? बोलना आपके दामाद ने दिया है। मरवाओगे तुम मुझे? कहो तो तुम्हारी माँ के लिए भी एक लेके आऊँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, पहले मेरी माँ से तुम्हें शादी की बात करनी होगी, और तब तक तुम इसे अपने पास ही रखो, सही टाइम आने पर इसे खुद पहना देना। वो टाइम पता नहीं कब आएगा, और जब टाइम आएगा तो पता नहीं तुम्हें ये पसंद आएगा कि नहीं। अरे हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अपने अच्छे कपड़े खरीद रहे हो, बाइक भी खरीद ली, हाथों में पैसा भी बहुत है, और अब मेरे लिए पायल भी लेकर आए हो, कहाँ से आया इतना पैसा तुम्हारे पास? मिट्टी खोदने का एक अच्छा ऑफर मिला है, वो बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे देगा बोला। कल से ही काम शुरू करना है। ठीक है, पैसों को फालतू खर्च मत करना। ठीक है। टाइम हो गया है, घर जाना है, माँ वेट कर रही होगी। ठीक है। ओके। माँ। हाँ।
माँ, दवाई खाई तुमने? हाँ खा ली बेटी। अगर जवान बेटी शाम को घर देर से आए तो दिल घबराने लगता है। क्या हुआ, आज भी ओटी थी क्या? हाँ माँ, ये भी ओटी ही है। माँ भूख लगी है, खाना दो ना। अभी देती हूँ। मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। बस माँ। बेटी नंदिता, ऐसा मत सोचना कि माँ एक ही बात को लेकर बार बार पूछती रहती है। मेरी आंखें बंद होने से पहले तू शादी कर ले बेटी। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, फालतू में जल्दबाजी मत करो। ये बात नहीं है बेटी, अपनी तबीयत को देखकर मेरे मन में डर सा है। मैं कोई रिश्ता देखो तो तुम मना कर देती हो। तुम किसी से प्यार करती हो ये पूछती हो तो भी ना कहती हो। ऐसा कोई है तो बताओ ना बेटी, मैं तुम लोगों की शादी करवा दूंगी। माँ मैं खुद ये बात तुमसे कहना चाहती थी, जल्दी ही उसे मैं तुमसे मिलवा दूंगी। इस बात की वजह से तुम परेशान मत हो, अब तुम भी खाना खा लो। ए, लगता है इस बार भी वो जयराम जीतने वाला नहीं। हमें नकली वोटों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल वोटों से ही हम बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं। हाँ नंदा। नमस्ते भाई। ठीक टाइम पर आए हो, इधर आओ। नमस्ते भाई। नमस्कार। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। आओ इधर बैठो। कोई बात नहीं भाई। तुम मेरे भाई जैसे हो, कोई बात नहीं, बैठो नंदा। नहीं भाई कोई बात नहीं। थोड़े दिन के पहचान में ही तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। भाई जीतने के बाद भूल मत जाना। नंदा मुझे दूसरों की तरह समझाए क्या? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई। ये नरसिम्हा जो भी वादा करता है उसे पूरी तरह निभाता है। क्या भाई अभी? मेरे चुनाव जीतने के बाद जो चाहिए मांग लेना, सब दूंगा। भाई आज हम आपके नाम पे इस एरिया में गरीबों को अन्नदान कर रहे हैं, अगर आप एक बार आए तो सब लोग आपको देख के बहुत खुश होंगे। भाई घर से खाना आया है, हम लोग खा कर ही चलते हैं। वो क्या ना भाई कि आप एक बार वहाँ आकर उन लोगों के साथ खाना खाएंगे तो बेचारे खुश हो जाएंगे। भाई मैं बोल के आया हूँ कि आप जरूर आएंगे, सब इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज मेरे लिए आ जाइए ना। नंदा मेरे लिए जनता जरूरी है, आप सब लोग खाना खाकर यहीं पर रुकना, मैं वो कराता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। ए चलो उतर रे, आइए भाई। अरे ये सब क्या है? ये सब आपके लिए भाई। बहुत अच्छे नंदा, बहुत अच्छे। चलिए भाई लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। इधर भाई। नमस्ते जी। नल के पानी में नाले का पानी भी आता है भाई। इलेक्शन खत्म होने के बाद वो काम मैं पहले करूंगा। नंदा सुना ना, मुझे याद दिलाना। ठीक है जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नंदा लड़के कहाँ गए? कोल्ड ड्रिंक्स लेने गए। चलिए ना भाई, चलिए ना। बस भाई हम आ ही गए, ये गाने की आवाज वहीं से आ रही है। चलिए
नहीं, गलती कर रहे हो। मुझे जाने बिना तुम बहुत बड़ा पंगा ले रहे हो। मुझसे पंगा लेना मतलब तुम आग से खेल रहे हो। ए, तेरी ये हिम्मत तुम मुझे मारने के लिए प्लान करेगा? ए, नंदा, नहीं, ए, नहीं, 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 नंदा, नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अबे कमीनो, एक एक के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए नरसिम्हा, तूने क्या हमें मुर्गा समझ रखा है जो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा? हा? तू गुंडा होगा अपने एरिया का, बहुत दबदबा होगा तेरा, लेकिन ये मेरा एरिया है। अगर मैं एक चुटकी बजाऊ ना, मुझे खड़े खड़े काट डालेंगे। टुकड़े टुकड़े काटना किसे कहते हैं तुझे मैं दिखाता हूँ। क्या हुआ ऐसे? हाँ क्यों रहे? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? हाय, वो नरसिम्हा मारा नहीं है। साला वो जिंदा बच गया। उसके आदमी हम लोगों को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं भाई। पुलिस ने उससे बहुत पूछताछ की, लेकिन उसने हमारे बारे में नहीं बताया। अभी क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। बहुत टेंशन हो रही है यार। ए नंदा, तू इस समय कहाँ जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा राजेश, दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। नंदिता से मिलने का मन कर रहा है। ओए, पागल हो गया क्या? बाहर नरसिम्हा के आदमी अपन को ढूंढ रहे हैं। देख, इस समय अपन का बाहर जाना ठीक नहीं है, समझा कर यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्यों उसे देखने का मन कर रहा है। इसलिए मैं कहता था कि हम जो काम करते हैं उसमें प्यार व्यार की कोई जगह नहीं है, अब समझा ना? किसने कहा बे? किसने कहा कि गुंडा प्यार नहीं कर सकता? तू बाहर जाएगा तो सिर्फ तेरी ही जान नहीं जाएगी, हम सबकी जान जाएगी। नंदा, बस कुछ दिन और रुक जा, नहीं तो हम सारे लोग मारे जाएंगे, समझा कर यार। ठीक है राजेश, तू कह रहा है तो मान जाता हूँ। ओए, तुम में से कोई भी मुझसे पूछे बिना बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? नंदिता कहाँ है? एक हफ्ते से वो आ नहीं रही है। चाचा, है? नंदिता का घर कौन सा है? कौन सी नंदिता है? वही जो अचार की कंपनी में काम करती है। अच्छा, वो नंदिता। यहाँ से जाकर राइट मुड़ोगे ना तो तीसरा घर है। सुनिए बहन जी। हाँ बोलिए। नंदिता का घर कौन सा है? यही घर था उनका, एक हफ्ता हो गया खाली किए। कहाँ गए होंगे कुछ पता है? पता नहीं भैया। अरे वाह भाई, ऐसी वैसी पैल नहीं है, चांदी की है। अरे दूल्हे राजा, दूल्हे राजा, मुझे पहचाना क्या? हाँ मैं हूँ, उस दिन मैं और तेरी भाभी दोनों यहाँ आए थे है ना? अरे बाप रे बाप, तुझे तो सब याद है, लेकिन मेरी नंदिता को मैं याद नहीं यार। मेरी नंदिता को तुम और तुम्हारा खेल बहुत पसंद है। ओहो, सोने वाले हो क्या? अच्छी तरह से सो जा। अबे ओए, आई कम इन। अबे डर क्यों रहे? अबे ऐसे क्यों सो रहे? उठ। अबे देख क्या रहा है? बाजा बजा, चल बाजा बजा। ये क्या कह रहा है? इस टाइम पर हम बाजा बजाएंगे तो पुलिस वाले आकर हमारी बजाएंगे। तो पुलिस वालों से डर रहे हो? हाँ जी। अब अगर बजाएगा नहीं तो
खाद डालूंगा, समझ गया? चल बजा बे, चल बजा। अबे बंद कर, अब मैं जो ट्यून बोलू तू वो ट्यून बजा, अब ध्यान से सुनना। बंद कर, अभी क्या ट्यून बहुत हो गया, अब राम और सीता की शादी होगी। राम शादी के लिए तैयार हो तुम? सब के लिए सिर हिलाना राम, लेकिन प्यार के लिए नहीं। प्यार व्यार करके अपनी जिंदगी मत खराब करना, क्योंकि उसके बाद तुम मेरी तरह हो जाओगे, समझ जा भाई। प्यार कोई छोटी चीज नहीं है, जब तक नंदिता दिख नहीं जाए तुम लोग मेरे सपने में भी बताना। क्या बे, समझ गया ना? ठीक है साहब, चल निकल। ऐसे भी मेरा दिमाग खराब है, समझ गया? हमारा बाजा नंदिता। मैंने जो किया वो सही नहीं था, मैं जानती हूँ चित्रा, मैं अब भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। नंदा के बिना मैं नहीं जी सकती चित्रा। तो फिर तू उससे दूर क्यों चली गई? उसके पीछे एक वजह है, मेरी एक सिंपल फैमिली थी, मैं, भैया, माँ और पापा। लेकिन बचपन में ही मेरे पापा गुजर गए, तब से मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके हमें पाला है, और भैया को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए उन्हें कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। लेकिन भैया ने पता है क्या किया? भैया, आजकल ताजा खबर। ठीक होने बहन, आजकल शहर में गैंग वॉर बहुत बढ़ता जा रहा है, काफी जवान इस वॉर में शामिल होते जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता लोग ऐसे जवानों को चुनते हैं जो कि बहुत ही गरीब और जरूरतमंद होते क्या हैं। हुआ ऐसे अचानक आ गए? कॉलेज की छुट्टी हुई है क्या? नहीं माँ, वहाँ मन नहीं लग रहा था, तुम लोगों को देखने का मन कर रहा था, इसीलिए आ गए। कल दिन दहाड़े भी एक गैंग वॉर हुआ। नंदिता, तुम जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है माँ। तुम जाकर हाथ पैर धो, साथ में खाना खाते हैं। फरार हो गया है और पुलिस इसकी तलाश में है। इन सब में इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र जो कुमार, इसकी मुख्य भूमिका थी। इसने मिलकर उस वारदात को अंजाम दिया जो कि बहुत ही खौफनाक था। ये सब क्या है बेटा? तेरी फोटो टीवी में दिखा कर तूने किसी गुंडे के बेटे को मार डाला बता रहे हैं? क्या है ये, क्या है ये? बोलना, सच क्या है? बोल, बोलना। क्या हुआ भैया, बोलो ना क्या हुआ? पुलिस वाले सब आपको ढूंढ रहे हैं, न्यूज में भी दिखा रहे हैं, आखिर क्या बात है? बोलो ना भैया। इसके लिए मैंने तुझे इतनी मेहनत करके पढ़ाया था, हे भगवान, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ लिख कर बहुत बड़ी नौकरी करके खूब सारे पैसे कमाकर हमारी जिंदगी सुधारेगा, ऐसा मैंने सपना देखा था। उन सारे सपनों को मिट्टी में मिलाकर एक खूनी बनकर मेरे सामने खड़ा है। बोल ना, बोल, बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल ना। हे भगवान, कल सब लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या करूं। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तूने ऐसा किया? बोल ना, बोल, क्यों किया, क्यों किया तूने ऐसा? चार्ज शीट में सारे विटनेस बहुत स्ट्रांग हैं। कुमार, आखिर वहां हुआ क्या था मुझे डिटेल में बताओ, कुछ भी मत छुपाना। सर, मैं कॉलेज में कभी कभी छोटे छोटे झगड़े करता रहता था, उस दरमियान वहां के कुछ गुंडों से मेरी जान पहचान हो गई, लेकिन मैं गुंडागर्दी नहीं करता था। और उस दिन जो हुआ वो ये था कि मैं और मेरा दोस्त क्रिकेट खेलने के बाद ग्राउंड में ही थे, तभी मेरा एक दोस्त शंकर वहां आया और उसने कहा कि एक ज़रूरी काम है, मुझे अपने बाइक से छोड़ दे। वो क्या करने वाला है जाने बिना मैं उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। देख कुमार, वो शिवाजी राव एक जमीन के चक्कर में पूरे शहर को परेशान कर रहा है, इसलिए उसे एक छोटा सा झटका देकर हम वापस आ जाएंगे। अभी? ए, मेरा एग्जाम है यार। ए, हमेशा एग्जाम होता है तेरा, चलना चुपचाप मेरे साथ। We'll be right back.
हाय, छोटे को तो देखो कंप्यूटर पर कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। अबे ओए गधे, वो पढ़ नहीं रहा है, हेडफोन लगा के गाने सुन रहा है। भाई वो देखो, भाई वो देखो, भाई छोटे तू बाहर मत निकलना। देखिए माँ जी, आपके बेटे का केस बहुत पेचीदा है, बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे मत कहिए साहब, हम लोगों का यही एक सहारा है, मेरे बेटे को आप किसी तरह बचा लीजिए साहब। मरने वाला शिवाजी राव का बेटा था और इस शहर का एक बहुत बड़ा गुंडा भी। देखो कुमार, मेरा तो यही सजेशन है कि तुम कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दो। पुलिस कस्टडी में रहोगे तो तुम्हारी सेफ्टी रहेगी, बाकी का जो कुछ है मैं देख लूंगा। क्यों माँ जी, ठीक है ना? माँ तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। क्यों ना हो बेटा, वकील ने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। ये यहाँ क्यों आए हैं? जल्दी आओ, जल्दी अंदर आओ, चाहे कुछ भी हो यहाँ से बाहर मत निकलना। हाँ अंदर ही रहना, जाओ छुप जाओ, जाओ अंदर जाओ। बेटा, बेटा। इसकी लाश मेरे कदमों पे होनी चाहिए, जाओ। ठीक है भाई, ठीक है भाई। भैया रुक, उस दिन गुंडों को मेरे भाई की तरफ बढ़ता हुआ देखकर शौक से मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मौत के मुंह में गई मेरी माँ, किस्मत से बच गई। भैया पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा सोचा था, एक गुंडा बन गया और उन्हीं गुंडों के हाथों मर गया। हमेशा माँ यही सोचकर रोती रहती है। ऐसी परिस्थिति में मैं जिससे प्यार करती हूँ वो एक गुंडा है, अगर माँ को पता चला तो क्या होगा? तो क्या तेरा नंदा एक गुंडा है? हाँ चित्रा, मेरी आंखों के सामने नरसिम्हा को मारा था, माँ ने भी देखा था। अब मैं उसी नंदा से प्यार करती हूँ, ये बात माँ से कैसे कहूँ? मैं जानती हूँ कि वो नहीं मानेगी, इसलिए वो घर छोड़कर इतनी दूर चली आई हूँ। लेकिन चित्रा, तुम मुझसे मिली थी, ये बात नंदा को मत बताना। ठीक है नंदिता, प्लीज। ए नंदा, ए नंदा, ए नंदा, चल ए नंदा, अबे उठना, अबे उठना, चलो अबे उठ रे। ए नंदा, ये सब क्या है यार, हम कितनी मुसीबत में हैं, वहाँ नरसिम्हा के आदमी हमें टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए ढूंढ रहे हैं। अरे हम कितने टेंशन में, और तो सो रहे हैं। अरे तुझे हमसे ज्यादा वो लड़की जरूरी है क्या? हाँ बे, हमारे साथ रहेगा तो सिर्फ दारू मिलेगी, उसके साथ रहेगा तो मजा भी मिलेगा ना। नंदिता के बारे में गलत मत बोल, आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे। अगर बोला तो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा बे? अबे देख क्या रहा है, तेरी लवर क्या पतिव्रता है,
सिर्फ दो दिन में ही उसे पटा कर तेरे सामने उसका काम कर दूंगा, समझा? क्या कहा तूने? मेरी निंदिता के बारे में तूने गलत बोला? तुम परेशान मत हो माँ, तुम ठीक हो जाओगी, डॉक्टर ने कहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं नहीं जानती मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं, तुम मत रो, रो मत। देखो नंदिता, दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मेरे मरने से पहले मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। अरे हाँ, तुम किसी लड़के से मुझे मिलवाना चाहती थी ना, वो लड़का कौन है, क्या करता है, मुझे बताया नहीं। मेरी बात तेरा क्या होगा, यही डर मुझे खाए जा रहा है बेटी। कल के लड़कों को काम देना मुझे भारी पड़ गया। खेलने वाले लड़कों की शादी करवाओ तो शादी को भी खेल ही समझते हैं। इलेक्शंस आ गए हैं, पैसे लिए थे ना, काम पूरा करना था ना, मुझे तुम लोग। ए नंदा, इस वक्त तुम प्यार इश्क में किसी लड़की के पीछे घूम रहे हो ना? भाई उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा बस, और उसे मैं पूरा करूंगा। ए चलो रे। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मेरे सामने खड़ा होने से डरता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं डरता। ये लीजिए बहन, कल ले गई थी ना, इतनी जल्दी क्या थी बहन? कोई बात नहीं, जब हो तो दे दो, तभी तो ना होने पर दोबारा मांग सकती हूँ ना। वहाँ देखा आपने, हमेशा रोने वाले बच्चे नंदिता के साथ कितने खुश हैं। बच्चों से बहुत लगाव है ना इसे। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना। इन बिन माँ के बच्चों की ऐसी हालत देखकर मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है। वो चाहे इन बच्चों को कितना भी प्यार क्यों ना दे दे, लेकिन एक माँ की जैसा प्यार नहीं दे सकता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी नंदिता की शादी अपने बेटे से करवाना चाहती हूँ। मैं भी अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन अब समय नहीं है, इससे अच्छा रिश्ता हमें और कहाँ मिलेगा बहन। मैं बहुत खुश हूँ, वैसे भी आप हमारी मदद तो कर ही रही है ना, और वैसे भी शादी ब्याह के रिश्ते तो भगवान ही तय करता है। नंदिता से भी एक बार पूछ लोगी तो अच्छा होगा, वो हमारी बातें तो सुन ही रही है और वो मेरी बात टालेगी नहीं। वक्त की रोटी भीख मांगकर खाने वाले लड़कों ने मुझे मारने की कोशिश की, इसके पीछे कौन है, उन्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली? 24 घंटे के अंदर मुझे सब पता चलना चाहिए। भाई ये सब होने की वजह से इस इलेक्शन में हम जीतने ही वाले हैं, ये कंफर्म हो गया है भाई। तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा तो क्या मैं उन लड़कों को सर पर रखकर नाचूं? थू भाई इतनी टेंशन क्यों लेते हो, उस दिन पुलिस वालों ने पूछा तो कुछ बताया नहीं, और अब तक उन लड़कों का कुछ किया भी नहीं आपने। चुप कर बे,
भाई आप परेशान क्यों होते हो? उनके हाथ पैर काट कर बिहार पार्सल करूं या उन्हें जिंदा आपके सामने लाकर फेंकूं, बताओ? तुम्हारे भौंकने की वजह से मेरी आज ये हालत हुई है। उसे मेरे सामने लाओ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तब मेरा गुस्सा ठंडा होगा। तुझे क्या लगता है कि पुलिस मुझे बचाएगी? नहीं बचाएगी, तभी तो मैंने कंप्लेंट नहीं दी। तुम सबके सब निकम्मे हो, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। मेरी राजनीति में ना आने से देवराज को भी फायदा हो सकता है। पैसा, पता करो किसने पैसा दिया है, उसके बाद हम शुरू करेंगे काटना और पीटना। कानून को मैं देख लूंगा। पहले इस बात का पता करो कि उन्हें सुपारी किसने दी थी, उसके बाद मैं खुद उतरूंगा। यहाँ नंदा कौन है? दीवार पे क्या लिख कर रखा है सब? हाँ, कौन है बे नंदा? मजाक करता है क्या? जब यहाँ नंदा लिखा है तो बार बार क्यों पूछता कि नंदा कौन है, नंदा कौन है? ओए ओए, तू पागल है क्या? बात करते करते मारता है। ओए ये नंदिता कौन है बे? आइटम है क्या? धोखा दे गई तुझे? पागल हो गया है तू? ऐ प्यार में हारने वाला कभी ना कभी दारू पीकर पागल होकर दीवारों पर ऐसे ही नाम तो लिखता है, या फिर चाकू से हाथ काट कर नाम लिखता है। ओए पागल, हम यहाँ तेरी लव स्टोरी सुनने नहीं आया है। हमारे नरसिम्हा भाई की सुपारी किसने दी वो मुझे बता, वरना तुझे काट के यहीं फेंक देंगे। यहाँ बताता हूँ। उसने मुझे पैसे दिए तो मैं उसका गुलाम नहीं हो गया हूँ? उसने मुझे पैसे दिए तो साला तू क्यों मेरे हाथ से पिट रहा है? मैं खुद अपनी परेशानी में डूबा हुआ हूँ कि वो चली गई। तुम लोग पागल हो गया? जाकर पकड़ो वो हाथ देवराज का, वो बताएगा तुम्हें नरसिम्हा को मारने के लिए किसने बोला था। नरसिम्हा भाई, आप यहाँ क्यों आए? बोलते तो मैं खुद आ जाता। ए, खड़ा खड़ा देख क्या रहा? भाई के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। ए देवराज, अगर कुछ करना है तो सामने से करना। उसके अलावा फालतू के लड़कों को भेजकर मेरे साथ तू खेल खेल रहा है? तू मुझे मारने का प्लान बना रहा था क्या? भाई आप ये क्या बात कर रहे हो? किस कमीने ने कहा मैंने मारने का प्लान किया है? ये ड्रामा मेरे सामने मत दिखा। तूने उन्हें मुझे मारने की सुपारी दी थी, उस कमीने ने मुझे सब बता दिया है। तू अपने आदमियों को भेजेगा तो पहचाना जाएगा, इसलिए तूने उन गुंडों को भेजा। राजनीति में मुखौटा लगाए हम भी गुंडे ही हैं, और तू हमसे खेल रहा है? हाँ, अगर तू असली मर्द है तो आ, आजा आजा,
अब मैं तो तेरे सामने ही हूँ, अगर तेरे में दम है तो मारना मुझे, मारना, चल मार। भाई भाई नरसिम्हा भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, अब मैं जो भी बताऊंगा आप विश्वास नहीं करेंगे। भाई हम दोनों के बीच झगड़े हो इसलिए किसी ने ये गलत खबर दी है, उस पर आपने भरोसा कर लिया? भाई फिर भी मैं गलती के लिए माफी मांगता हूं। नहीं नहीं नहीं, क्या है भाई ये, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ आप मेरे सगे भाई जैसे हो। भाई वैसे भी आप कहाँ और मैं कहाँ, आपके खिलाफ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता, किसी ने कुछ भी कहा और आपने मान लिया बस। आपको अभी भी भरोसा नहीं ना, तो फिर अपना चप्पल निकाल कर मुझे मारो भाई, मारो मुझे, मुझे मारने से आपका गुस्सा ठंडा होता है तो मुझे मारो, मारो मुझे चप्पल से, मारो भाई। ठीक है देवराज छोड़ो, तुम्हारी बात का मुझे भरोसा है, अब से हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आना नहीं चाहिए, ठीक है ना, जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ इसे मैंने मारा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहाँ है नंदा, कहाँ है नंदा, कहाँ है नंदा? थोड़ा सा मजे लेना, हे छलिया तू मुझको बेअंग लगाना, हे धीरे से दिल में उतरना, छूना है मुझको तो आपस जाना, चखना तू चाहता है क्या, आ आ आ। जाने तू पास जरा, दिल ये मेरा आप है तेरा, जो मुझसे तू चाहेगा वो तुझको आज मिलेगा, आग लगी मेरे तन को भी आज, आके जरा तू उसको बुझा, अब ना खुद पे कोई काबू रहा, आके तू ले ले जीने का मजा, आग लगी मेरे तन को भी आज, आके जरा तू उसको बुझा, अब ना खुद पे कोई काबू रहा, आके तू ले ले जीने का मजा। जा रे तू पास जरा, दिल मेरा ये अब है तेरा, जो मुझसे तू चाहेगा वो तुझको आज मिलेगा।
माँ जी, इस महीने में 4 मुहूर्त हैं, उनमें से दूसरे सप्ताह में जो मुहूर्त है ना, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत शुभ भी है। अच्छा। मुहूर्त के लिए इतना रुकने की बजाय कोई करीब का मुहूर्त देखे ना पंडित जी। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो बहन? शुभ काम के लिए इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है बहन? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, शादी की सारी तैयारियां हम कर लेंगे। मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो यही मेरी इच्छा है, लेकिन अब मेरे पास पैसे भी नहीं और समय भी नहीं। हमने महिला मंडल में ऑलरेडी नंदिता के बारे में बात कर ली है, आप सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए। फिर क्या बात है माँ जी, इतने लोग जब साथ में हैं तो बात पक्की कर लीजिए। जी पंडित जी। तुम दिखने में बहुत ही शरीफ दिखाई दिए। पहले मेरी माँ से तुम्हें शादी की बात करनी होगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कौन है? कौन है बाहर? कौन है? माँ कोई आया है तो जाकर देखना कौन है। ठीक है। नंदिता भैया, कैसी हो बहन? भैया 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 आए, कौन है? बेटा कैसा है तू? कुमार? हाँ माँ, मैं ही हूँ माँ, कुमार। ये सब कैसे हुआ? हाँ माँ, उस दिन जो पुलिस वाले राउंड पर थे ना, उन्होंने उन गुंडों से मुझे बचा लिया था माँ। उसके बाद कोर्ट में सब पूछताछ करके उस केस से मेरा कोई रिश्ता नहीं है कहकर मुझे छोड़ दिया माँ। जाने दो बेटा, जो होना था वो तो हो गया, सब एक बुरा सपना सोचकर भूल जा। अच्छे समय पर आया है तू, अपनी नंदिता का इस घर की मालकिन के बेटे के साथ रिश्ता तय हो गया है। नंदिता की शादी? हाँ बेटा। ये शादी कैसे होगी, किस तरह से होगी, इसकी मुझे चिंता थी, लेकिन अब तू आ गया है ना, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। तुम परेशान मत हो माँ, मैं कभी गुंडों के साथ दोस्ती नहीं करूँगा। कुली का ही काम क्यों न करूँ, लेकिन तुम दोनों की देखभाल करूँगा। नंदिता की शादी भी धूमधाम से करूँगा माँ। मारने के लिए पैसे देकर भेजा तो हाफ और भूल भी कर मुझे ही धोखा दे रहे हो। ब्याज पर पैसे देकर चिल्लर बिजनेस करने वाले तुम कुत्तों को काम दिया था? कहाँ है मेरे पैसे? बोल कहाँ है मेरे पैसे? ओ राजेश, तू तो बता मुझे सच, कहाँ है पैसे? खर्च हो गए भाई। जो काम दिया वो हुआ नहीं, लेकिन पैसा सारा खर्च कर दिया। ओए, तेरा दोस्त नंदा कहाँ है? भाई पता नहीं भाई, काफी दिन हो गए उससे मिले। ओहो, तो मेरे पैसों से वो ऐश कर रहा है, उसको तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? भाई भाई, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। करोगे ना? बिल्कुल भाई, जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे ना? वैसा ही करेंगे। तो सुनो, ठीक है भाई। समझ गए ना? हाँ भाई, हाँ समझ गए। नहीं भाई, वो मेरा दोस्त है भाई, पैसों के लिए उसे कैसे मार सकते हैं भाई? भाई। दोस्त है। हाँ। बहुत अच्छा दोस्त है तेरा। हाँ भाई। हाँ। तुम लोग क्या कहते हो? हाँ भाई। तुम लोग भी उस नंदा के दोस्त हो? नहीं भाई, नहीं 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 भाई। नंदिता, नंदिता, क्या नंदिता, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम, क्या हुआ बोलो ना, क्या हो गया बहन? भैया मुझे ये शादी नहीं करनी। भैया क्या कह रही है, क्यों बहन? मैं किसी और से प्यार करती हूँ भैया, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है,
अगर मेरी शादी होगी तो उससे ही होगी। चलो अच्छा है, कम से कम अब तो बताया तुमने। इतनी बड़ी बात को तुम अपने दिल में छुपा कर रखी थी। जो पसंद ना हो उससे शादी करके तुम भी खुश नहीं रहोगी और मैं भी खुश नहीं रहूंगा। कुमार, कैसी बातें कर रहा है तू? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर इसकी बातें सुनकर तूने कुछ गड़बड़ की तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुन, मैंने अपनी जबान दी है, जबान बदलनी नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे पास देने के लिए है ही क्या, जो तू इसकी बात सुनकर ऐसी बातें बोल रहा है। क्यूरी, मैंने तुझे बार बार पूछा, किसी से तुम्हें प्यार है? और अगर है तो मुझे बता दो, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी। जब पूछा था तब तो तूने कुछ नहीं कहा, अब पसंद नहीं है मुझे किसी और से शादी करनी है ऐसा कह रही हो? तुम दोनों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, ये शादी मेरी मर्जी से ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगी। नंदिता, माँ की बातों का तुम बुरा मत मानना। इस शादी को होने में अभी 24 घंटे बाकी हैं। इस बीच मैं उस लड़के को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। माँ को किसी भी तरह समझा कर तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगा। नंदिता, चित्रा, नंदिता अचानक कैसे आना हुआ? अंदर आओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुझे एक बात बतानी है। कैसी बात? मैंने तुझे भैया के बारे में बताया था ना? हाँ तो? भैया मरे नहीं है, कल ही घर वापस आए हैं। सच में? तेरे भैया जिंदा है ये बताने के लिए आई है, तो इतनी टेंशन में क्यों है? मेरी माँ ने मेरी शादी किसी और लड़के से फिक्स कर दी है, कल शादी है। नंदा को प्यार करने वाली बात मैंने भैया से कही। नंदा की और मेरी शादी कराने का मुझे वादा किया है भैया ने। तुमने नंदा को देखा कहीं? नहीं तो? नंदा,
नंदा? चित्रा? क्या हुआ चित्रा? कहाँ थे तुम? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हम लोगों ने। क्यों? क्या हुआ? नंदिता की शादी है। नंदिता की शादी? हाँ, लेकिन उसे ये शादी नहीं करनी। अपनी माँ के लिए उसने हाँ कह दी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम उसे ना मिले तो नंदिता मर जाएगी। शादी कहाँ है? नमस्कार, आइए। नमस्कार, आइए। नमस्कार बहन जी। कितना हुआ? 50। ये लो। ठीक है। नमस्ते जी। हाँ आइए, अंदर चल के बैठिए। नमस्कार मैडम। हाँ हेलो भाई, मैं सुरेश। हाँ बोलो। वो कुमार भी जिंदा है भाई? ओए, रात की अभी तक तुम्हारी उतरी नहीं है क्या? उन लोगों को जेल से रिलीज होने के बाद हमारे लोगों ने ही तो मार कर उन्हें समुंदर में फेंक दिया था, तो अब वो कहां से जिंदा हो गया? देखा ना भाई, वो देखो अभी तक जिंदा है साला। ओए साले हरामजादे, उस दिन मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने मारकर मेरे घर मौत का शंख बजाकर तू यहाँ शादी करवा रहा है, मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सब वो शंकर का काम था भाई, मुझे पता भी नहीं था भाई। माँ मुझे कुछ पता नहीं है। तू रुक जा, देखिए मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। आप यहाँ पर झगड़ा मत कीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। उस खून से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। बहुत दिन बाद मेरी बेटी की शादी हो रही है भैया। अब से मेरा बेटा आपके सामने कभी नहीं आएगा। बहुत दिन हो गए उसने ऐसे वैसे काम छोड़ दिए है। भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ। अभी मेरी बेटी की शादी हो रही है, भगवान के लिए ये शादी मत रोकिए। छोड़ देने से मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? या मरने वाला वापस आ जाएगा? इसे मरना होगा। नहीं, मौत का बदला मौत है। इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। मारो साले को, हट यहाँ से। कोई नहीं बचना चाहिए। Hey! 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 Hey
नंदिता, नंदिता। नंदिता, नंदिता, उठो ना नंदिता, तुम्हारा नंदा आया है। देखो नंदिता, क्या हुआ नंदिता? हर बार की तरह इस बार मुझे गले नहीं लगाओगी क्या? मुझसे बात करो ना नंदिता, बात करो ना नंदिता। पता है इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ए, किसने नंदिता को तैयार किया? काला टीका नहीं लगाया? तुम चिंता मत करो नंदिता, मैं लगाता हूँ ना। अरे बाल भी नहीं पहनी क्या? तुम चिंता मत करो, मैं पहनाता हूँ। ये पायल याद है ना नंदिता? तुमने कहा था कि एक दिन तुम इसे जरूर पहनोगी। तुम्हें पता है कहीं भूल ना जाऊं इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ठीक है ना नंदिता? एक मिनट हाँ, तुम जरा रुको, मैं तुम्हें अभी पहनाता हूँ। देखा ना आप कितनी सुंदर लग रही हो। देखो ना नंदिता, तुम्हारे पैरों पर ये पायल कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो ना नंदिता, देखो ना नंदिता। हाँ? चित्रा नंदिता, देखो ना चित्रा, मेरी नंदिता मुझसे बात भी नहीं कर रही। आना चित्रा, देखो ना, तुमने कहा था ना जाकर शादी रोको, इसलिए आया था। लेकिन उस भगवान को देखो, उसने मेरी नंदिता की जान ही ले ली। उस भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये सोचकर मैं उसे बहुत गाली देता था, लेकिन आपकी बार उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो भगवान जानता है कि अगर नंदिता ना रही तो नंदा भी नहीं रह सकता, इसलिए पता है उसने क्या किया है। क्यों बे, हमें मारकर हमसे बचकर जाएगा ऐसा सोच रहा है तू? वहां नंदिता की शादी होने वाली है, प्लीज यार मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दीजिए भाई। गुंडे लोग प्यार नहीं कर सकते, किसने लिखा है पूछा था ना तूने? ओए बात क्या कर रहा है, मारो साले को। नंदा, 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 रो मत चित्रा, रो मत। माँ हमेशा कहती थी ये शादी हमेशा हमेशा स्वर्ग में ही होती है। नंदिता उसी स्वर्ग में मेरी माँ के पास है, मैं भी अपनी नंदिता के पास जा रहा हूँ। नंदिता, नंदिता।